हेलो गाइज, हाय, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और नए एंड वैल्यूएबल वीडियो में। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो कि मैंने खुद कहा था आपसे करने के लिए और आपको बता भी दिया था कि मैं भी करने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को जब शॉर्ट्स मोनेटाइज होना स्टार्ट हो गया था 1 फरवरी 2023 में, तब से मैंने आप लोगों को बहुत सारे शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर वीडियो दिए थे कि आप इस टाइप के शॉर्ट्स बना के ना अपना करियर स्टार्ट कर दो, आप इससे बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो क्योंकि शॉर्ट्स मोनेटाइज भी हो रहे हैं और उस पर मिलियंस में व्यूज भी आ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आप इस तरीके से उठाओ। मैंने ऐसे वीडियोस दिए थे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हाँ, ऐसे वीडियोस आपने खुद देखे हैं। लेकिन क्या आपने काम स्टार्ट किया है? अगर नहीं किया है तो आज स्टार्ट कर देना इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने खुद उन वीडियोस में कहा था कि मैं भी इसी टाइप का सेम काम जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं और एग्जैक्टली मैंने उस काम को स्टार्ट कर दिया है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा मेरा चैनल है, उस पे किस टाइप के वीडियोस जा रहे हैं और वो वीडियोस आप भी कैसे बना सकते हो, तो उन सब पे डिटेल पे चर्चा होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो आज आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेट कर सकता है और अगर आपने मोटिवेशन लेके इसको स्टार्ट कर दिया तो आप बिल्कुल पैरेलली मेरी तरह काम कर सकते हो और मैं जिस स्पीड से काम कर रहा हूं उस स्पीड से ही आप भी करोगे और मुझे जितना सक्सेस मिलना चाहिए हो सकता है उतना ही सक्सेस आपको मिल जाए या फिर आपकी ज्यादा मेहनत की वजह से मुझसे भी अच्छा सक्सेस आपको मिल जाए। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं कि मैंने कौन सा चैनल किस नाम से स्टार्ट किया है, जो कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो गाइस, ये है मेरा वो चैनल जिसको मैंने स्टार्ट किया है इन द कैटेगरी ऑफ मोटिवेशनल शॉर्ट्स। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें खाली मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट्स बना बना के पहले मैं इसमें मिलियंस में व्यूज लाने की कोशिश करूंगा आने वाले कुछ महीनों तक, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्क्लेमर दे रखा है उन वीडियोस में भी कि ऐसा नहीं होने वाला है कि आप रातों रात मिलियन व्यूज ले आओगे या फिर रातों रात आप इसमें से अर्न करना शुरू कर दोगे, और ना ही मैं आज भी बताऊंगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं भी खुद मेहनत करूंगा पैरेलली इसमें काफी महीने काफी टाइम तक जिद्दी बनके बिल्कुल मेहनत करना चाहता हूं, चाहे भले मुझे रिजल्ट्स दिखे ना दिखे, हाँ ये करूंगा कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे उस पे एनालिसिस जरूर करूंगा और उस एनालिसिस के रिपोर्ट के बेस पे मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश करूंगा और यही फॉर्मूला होता है सक्सेसफुल होने का। तो इसीलिए आपको भी सेम यही चीज करनी है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है ये सोच के कि मुझे तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो अब जल्दी से आप देख लो कि ये क्या है। गाइस देखो, मैं सबसे पहले शॉर्ट्स बनाऊंगा और उसके बाद मैं इसमें मोटिवेशनल लॉन्ग वीडियोस लाया करूंगा, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं ना वो बहुत जेनेरिक होते हैं, उसका कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं होता है, इसको हर कोई सुन सकता है, इसको हर एज के लोग सुन सकते हैं, इसको हर जेंडर के लोग सुन सकते हैं, इसको हर लोकेशन के लोग सुन सकते हैं और इसको हर लाइक यू नो प्रोफेशन के लोग सुन सकते हैं। तो ये बहुत जेनेरिक होता है, जिस वजह से इसमें मिलियंस में व्यूज जो है आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया और मैंने ये सेम चीज ना आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आप भी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आफ्टर ऑल इस चैनल पे मेरे व्यूअर्स जो है वो मेरे लिए इतने लॉयल हैं, तो मैं उनसे कुछ छुपाता नहीं हूं, मैं उनको हर वो चीज बता देता हूं और वो भी बहुत इनिशियल डेज में जब मैं उसको खुद स्टार्ट करने वाला होता हूं और एज इट इज बताता हूं। और प्रूफ ये रहा कि मैंने बाद में स्टार्ट किया, पहले आप लोगों को बताया। अब देखो ध्यान से यहां पर, हालांकि हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो व्यूज आ रहे हैं इसमें बहुत सारे व्यूज आप लोगों के भी हैं जो कि कम्युनिटी पोस्ट में गए थे, क्योंकि मैंने वहां पर रिवील कर दिया है कि मेरे चैनल का नाम क्या है, वहां पर लोगों ने क्लिक किया, चैनल पे विजिट किया और इसके कुछ वीडियोस भी देखे हैं, वहां से भी व्यूज आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें ऑर्गेनिक व्यूज भी आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को लिंक बाद में दिया था, मैंने उससे पहले इसका प्रमोशन ऑर्गेनिकली स्टार्ट कर दिया था, जो जो ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज होते हैं मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया था, उसमें थोड़े बहुत पहले व्यूज आए थे, उसके बाद मैंने चैनल का नाम जो है वो रिवील किया था और उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारा प्यार इसमें दे दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो चैनल का नाम है द पॉजिटिव पाथ, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये एक मोटिवेशनल चैनल का नाम ही हो सकता है। और इस पे थोड़ा सा रिजल्ट मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा कि मैं किस टाइप के कंटेंट पे इस पे काम कर रहा हूं। तो अगर मैं इसके एनालिटिक्स पे चलूं, इस पे देखो लास्ट 28 डेज, हालांकि लास्ट 28 डेज क्या, इसमें तो मैंने काम ही पिछले एक हफ्ते से स्टार्ट किया है और तब से अभी तक 7.7 आवर्स का वॉच टाइम मिल गया और 2100 जो है व्यूज मिल गया, जिसमें आप लोग भी हो, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, और 73 सब्सक्राइबर्स भी आप में से बहुत लोग हैं। और आप ये देख पा रहे हो कि इसमें आप कंटिन्यूअसली जो है लास्ट 48 आवर्स का जो है वो व्यूज आ रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं 9, 25, 18, 36, 45, 68, 6, 11, 9 इस तरीके से जो व्यूज है वो आ रहे हैं, यू कैन सी दैट राइट। जिस दिन मैंने पोस्ट किया था, हाँ उस दिन व्यूज ज्यादा आ गए थे, जिस दिन मैंने अपने इस ऋषिकेश रॉय चैनल पे इसका कम्युनिटी पोस्ट करके लिंक डाला था कि मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिया है। बट आज मैं वीडियो को डाल के भी रिवील कर रहा हूं ताकि मेरे उन व्यूअर्स को पता लग जाए जो कि मेरे वीडियोस देख के ही मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो ये रही कहानी मेरे इस पूरे चैनल की। अब मैं इस चैनल पे सिंपल पता क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इसके कंटेंट पे ले चलता हूं आपको और इस कंटेंट पे आपको कुछ खास दिखाने वाला हूं। देखो सबसे पहले आप इसका वीडियो देख लो और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कंटेंट पे आपको भी कैसे काम करना है। सो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड सिंपली वॉच इट फर्स्ट। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता।
वेल enough, समझ आ गया कि मैंने इस पे मोटिवेशनल जो कोट्स हैं वो बिल्कुल वही जो मैंने बताया था आपको, मोटिवेशनल कोट्स मैंने गूगल से उठाए, उसको सिर्फ वॉइस ओवर दिया और वॉइस ओवर के पीछे मैंने बैकग्राउंड फुटेजेस लगा के और स्क्रिप्ट लिख दिया जो कि मैं बोल रहा हूँ, बस इतना काम। और इतने काम में पता है मुझे एक वीडियो बनाने में मात्र 30 मिनट्स लगने हैं, मतलब मेरी टीम को 30 मिनट्स में एक वीडियो बन रहा है, तो यानी मैं दिन के आराम से चाहूँ तो 10 वीडियो बना सकता हूँ। क्यों, 300 मिनट लगने हैं और 300 मिनट इक्वल 5 घंटे पूरे दिन में, अगर मेरा काम ही सिर्फ यही है तो मैं आराम से 10 वीडियो डेली के बना सकता हूँ। जहां की हमारे और भी डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, हम उस स्पीड से नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि मेरे को भी पीछे कर दे, क्योंकि उनके पास अगर फुल टाइम है इसी काम को करने का तो उनका सक्सेस मुझसे पहले आएगा और ज्यादा आएगा और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि मैं डेली इसमें 10 वीडियो नहीं डाल सकता। बट आप में से अगर कोई है जो इसको फुल टाइम कर सकता है तो वो डेली के 10-20 वीडियो को इस तरीके से बना के इसका सक्सेस बहुत बड़ा कर सकता है। अब मैं बताता हूं मैंने यहां पर क्या किया है। अब सिंपल यहां पर अगर आप देखोगे तो लेट्स गो बैक टू द कंटेंट, और कंटेंट में आप देख रहे हो व्यूज वगैरह आ रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि नया चैनल है, नए चैनल पे ऑडियंस का ट्रस्ट इतना नहीं होता है, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा पुश नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका कोई एक वीडियो हिट ना हो जाए, वायरल ना हो जाए। जब आपका एक वीडियो वायरल हो जाता है तो यूट्यूब को ट्रस्ट हो जाता है आपके चैनल के क्रेडिबिलिटी पे, और वो आपके बाकी शॉर्ट्स या बाकी वीडियोस को भी एक बार रिकमेंड जरूर कर देता है अपने ऑडियंसेस को, ताकि वहां से व्यूज आने स्टार्ट हो जाए और उसके बाद चैनल ओवरऑल चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने सबका जो टाइटल है वो बिल्कुल सेम लिया है, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। एज यू कैन सी दैट हैशटैग मोटिवेशनल कोट्स, सेल्फ मोटिवेशन, अफर्मेशंस, एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशनल कोट्स और स्ट्रेंथ, मैंने सबके सेम किए, मतलब टाइटल जो है सेम रखा है, इनफैक्ट मैंने टैग्स भी सेम रखे हैं, और सबके इसलिए सेम रखे हैं क्योंकि सारे जो है सेम कैटेगरी पे जाने वाले हैं। ये आप करके देखना, ये मेरा भी एक्सपेरिमेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फिक्स्ड है, ये ऐसे ही करो, नहीं, मैंने इसलिए किया है, मैं एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि क्या अगर मैं सबके टाइटल को सेम रख दूं, हैशटैग्स के जरिए मैं इसको चलाने की कोशिश करूं तो क्या ये चलेगा। मैं इसको 1 महीने टेस्ट करने वाला हूं, 1 महीने में अगर मुझे लग गया कि हाँ ये जो फॉर्मूला है ये कामयाब है, मैं सबके टाइटल सेम रख सकता हूं, सबके टैग्स सेम रख सकता हूं, तो ये मेरा काफी टाइम बचा देगा। क्यों, क्योंकि मुझे टाइटल और टैग्स डिस्क्रिप्शन इन पे अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोज है उन पे फोकस करूंगा, अपलोड करता जाऊंगा और ये टाइटल और टैग्स जो है अपने आप लगने वाले हैं। क्यों, क्योंकि मैंने सेटिंग्स में जाके अपलोड डिफॉल्ट्स पे यहां पर बाय डिफॉल्ट टाइटल और टैग्स जो है इसको फिक्स कर दिए हैं। क्यों, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो ये टाइटल और टैग्स ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाते हैं, मुझे सिर्फ पब्लिश करना होता है, तो ये पूरा सेटअप जो है मेरा टाइम बचा लेता है। अब ये कितना कारगर साबित होगा ये मुझे 1 महीने बाद पता लगेगा, तो मैं 1 महीने का पूरा जो ये एक्सपेरिमेंट पे टाइम दूंगा, मैं डेली इसमें 2 वीडियो अपलोड करने का टारगेट लेके चल रहा हूं, यानी पूरे महीने में मेरे 60 वीडियोस हो जाएंगे, 60 वीडियोस का एनालिटिक्स मैं निकालूंगा और फिर डिसाइड करूंगा मेरे नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं इसको और कैसे प्रमोट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। देखो कितना ईजी है, वीडियो भी जल्दी बन जा रहा है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। क्यों, क्योंकि मोटिवेशनल कोट्स भी मैं गूगल से उठा रहा हूं, फुटेजेस भी मैं फ्री वाले ले रहा हूं, और मैं टेक्स्ट भी उसी को लिख रहा हूं जो कि मैंने गूगल से उठाया है, और यहां पर थंबनेल देने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना इजी काम, अगर मैं ये इजी काम भी काफी टाइम तक नहीं चला पाया या इस पूरे काम को ही नहीं चला पाया तो गाइस मेरे पर क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा ये आ जाएगा। तो फिर तो हार्ड काम जो कि बहुत टफ होता है, हार्ड वर्क लगता है जिसके अंदर, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने इसको चुना और मैं इसको करके देखना जरूर चाहता हूं, और मैं आप लोगों को इसका भागीदारी बनाऊंगा कि आप भी साथ में इसको लेके चलो मेरे साथ पैरेलली। मैं इसके दिन बर दिन अपडेट्स आप लोगों को देता रहूंगा कि क्या करना चाहिए, मैंने क्या अपडेट किया, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या है, मैं देता रहूंगा ताकि आप लोग भी कंटिन्यूअसली इस चीज को ऐसे ही कर पाओ। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाके जरूर चेक करना इसका हर एक वीडियो। क्यों, क्योंकि वहां से आपको ना आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के वीडियो जो है वो आप भी बना सकते हो, और आप, मैंने कहा ना, कॉपी कर लो मेरे सारे काम को, मुझे कोई हर्ज नहीं है मेरे सीक्रेट से सीक्रेट चीजों को रिवील करने के लिए इस चैनल पे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी एक नई चीज देने वाला हूं जो मैं जस्ट अभी रिसर्च कर रहा हूं, अगेन बहुत जबरदस्त होने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ताकि मेरा मोटिवेशन अप रहे और इस टाइप के वीडियो जो है मैं कंटिन्यूअसली आपको इस चैनल पे देता रहूं। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।